इस कार्यक्रम के आयोजक एवं पुण्यार्जक हैं जिन शरणम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं पुलक मंच परिवार, निवेदक श्री दिगंबर जैन जिन शरणम तीर्थ धाम ट्रस्ट रजिस्टर। जयचिनीन दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है चिनबाड़ी चैनल पर। दर्शकों, कुछ समय पहले आप देख रहे थे जिन शरणम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की श्रृंखला में जन्म कल्याणक का विशेष प्रसारण। महाराष्ट्र राज्य के जिला पालघर की पुण्यधरा तलासरी स्थित श्री दिगंबर जैन जिन शरणम तीर्थ धाम में 17 से 22 फरवरी 2024 तक आयोजित हो रहे इस महानुष्ठान में श्रद्धालुओं को परम पूज्य गणाचार्य श्री एकसवाठ पुष्प दंत सागर जी महाराज ससंग एवं भारत गौरव परम पूज्य आचार्य श्री एकसवाठ पुलक सागर जी गुरुदेव ससंग का पावन सानिध्य तो प्राप्त हो ही रहा है। साथ ही भक्तामर वाले बाबा परम पूज्य आचार्य श्री एकसवाठ डॉक्टर प्रमाण सागर जी महाराज ससंग का भी पावन निर्देशन मिल रहा है। तो आइए दर्शकों, इस विशेष प्रसारण के माध्यम से एक बार फिर चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर और सम्मिलित होते हैं इस महामहोत्सव की मांगलिक गतिविधियों में। जगमग दीप जलाए के आरती करते हाथ जोड़ विनती करे सुनियो जग सिरता दर्शन हुए धन दिवस है आ सुरगण मिलकर कर रहे जय 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 महाराज। ओ प्रभु चरणों में आऊं, तेरी आरती करूं, प्रभु चरणों में आऊं तो मैं शीश झुकाऊं और दीप जला के तेरी आरती करूं। प्रभु चरणों में भाई जरा अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, ये आरती हो रही है। तीन लोक के नाथ जिनेन्द्र देव भगवान की आरती की जा रही, बहुत दूर दूर से भक्त लोग यहाँ आए हुए हैं। आरती करूं मैं तेरी, आरती करूं, आरती करूं मैं तेरी, आरती करूं, अजी आरती करूं मैं तेरी, आरती करूं, आरती करूं मैं तेरी, आरती करूं। ओ प्रभु चरणों में आऊं, प्रभु चरणों में आऊं तो मैं शीश झुकाऊं और दीपक जला के तेरी आरती करूं। प्रभु चरणों में आऊं तो मैं शीश न पाऊं और दीपक जला के तेरी आरती करूं, अजी आरती करूं मैं तेरी, आरती करूं, आरती करूं मैं तेरी, आरती करूं, अजी आरती करूं मैं तेरी, आरती करूं, ओ आरती करूं मैं तेरी, आरती करूं। ओ प्रभु चरणों में आऊं, चरणों में आऊं तो मैं शीश नवाऊं और दीपक जला के तेरी आरती करूं। ओ प्रभु चरणों में आऊं तो मैं शीश नवाऊं और दीपक जला के तेरी आरती करूं। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जरा दोनों हाथों को उठा के एक बार हवा में लहरा के जयकारा लगाएंगे। बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय जय। ओ प्रभु चरणों में आऊं,
प्रभु चरणों में आऊं, तेरा ध्यान लगाऊं और दीपक जला के तेरी आरती करूं। ओ प्रभु चरणों में आऊं तो मैं शीश झुकाऊं और दीपक जला के तेरी आरती करूं। अजी आरती करूं मैं तेरी आरती करूं, आरती करूं मैं तेरी आरती करूं। ओ प्रभु चरणों में आऊं, ओ प्रभु चरणों में आऊं तो मैं शीश झुकाऊं और दीपक जला के तेरी आरती करूं। ओ प्रभु चरणों में आऊं तो मैं शीश झुकाऊं और दीपक जला के तेरी आरती करूं। ओ पद्मासन प्रतिमा मनहारी, पद्मासन प्रतिमा तेरा ध्यान लगाऊं, तेरा ध्यान लगाऊं मैं तो तेरे गुण गाऊं और दीपक जला के तेरी आरती करूं। प्रभु चरणों में आऊं तो मैं शीश नवाऊं और दीपक जला के तेरी आरती करूं। पार्षनाथ भगवान की जय हो। जिन शरण में आऊं, ओ जिन शरण में आऊं तेरा ध्यान लगाऊं और दीपक जला के तेरी आरती करूं। प्रभु चरणों में आऊं तो मैं शीश झुकाऊं और दीपक जला के तेरी आरती करूं। अजी आरती करूं मैं तेरी आरती करूं, आरती करूं मैं तेरी आरती करूं, आरती करूं मैं तेरी आरती करूं, आरती करूं मैं तेरी आरती करूं। प्रभु चरणों में आऊं, प्रभु चरणों में आऊं और दीपक जलाऊं मैं तो दीपक जला के तेरी आरती करूं। प्रभु चरणों में आऊं तो मैं शीश झुकाऊं और दीपक जला के तेरी आरती करूं। दोनों हाथों को उठाकर हवा में लहरा दें, सारा का सारा ये सदन जो है यहाँ भगवान के चरणों में आरती कर रहा है। प्रभु चरणों में आऊं, प्रभु चरणों में आऊं तेरा ध्यान लगाऊं और दिए जला के तेरी आरती करूं। प्रभु चरणों में आऊं तुम्हें ध्यान लगाऊं और दीपक जला के तेरी आरती करूं। बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। बोलिए आचार्य भगवान पुष्प दंत सागर जी महाराज की। ओ प्रभु चरणों में आओ और ध्यान लगाओ, प्रभु चरणों में आओ और ध्यान लगाओ, तेरे चरणों में आओ तेरा ध्यान लगाओ और दिए जला के तेरी आरती करो। ओ प्रभु चरणों में आओ तुम्हें ध्यान लगाओ और दीपक जला के तेरी आरती करो। वामानंदन अश्वसेन सुत वामानंदन, अजय अश्वसेन सुत वामानंदन, अश्वसेन सुत वामानंदन, और अश्वसेन सुत वामानंदन, अश्वसेन सुत वामानंदन, और नाम आपका भव दुख भंजन, नाम आपका भव दुख भंजन, जिन शरण
शरणम आऊं, जिन शरणम आऊं, मैं तो तेरे गुण गाऊं और दिए जला के तेरी आरती करूं, जिन शरणम आऊं और दिए से झुकाऊं नित दिए जला के तेरी आरती करूं। जिन शरणम वाले बाबा की जय हो, बोलिए जिन शरणम वाले बाबा की। मैं जिन शरणम आऊं, जिन शरणम आऊं, मैं तो ध्यान लगाऊं और दिए जला के तेरी आरती करूं, जिन शरणम में आऊं, मैं तो ध्यान लगाऊं और दिए जला के तेरी आरती करूं। और पार्श्वनाथ छवि बड़ी मनहारी, पार्श्वनाथ छवि बड़ी मनहारी, जिन शरणम, जिन शरणम, ओ जिन शरणम आऊं, तेरा ध्यान लगाऊं और दिए जला के तेरी आरती करूं, जिन शरणम में आऊं, जिन शीश झुकाऊं और दिए जला के तेरी आरती करूं, तेरी आरती करूं, तेरी आरती करूं, तेरी आरती करूं। चलिए जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय आइए आरती करता पूरा परिवार, गुरुदेव गणाचार्य आचार्य पुष्पधन सागर जी महाराज के समीप आएंगे और आरती करेंगे भक्ति भाव पूर्वक। भाइयों जितने नीचे लोग खड़े हैं आज प्रभु इंदर सेठी जी मंच पर आ जाए, जितने नीचे खड़े हैं भगवान के जन्म उत्सव पर एक भी बैठेगा नहीं बल्कि भगवान की भक्ति करेगा। कितने भगवान के भक्त हैं जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए। अशोक जी बोरा जी वो भी कृपया आ जाए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और मीठी मीठी तालियों के साथ आचार्य पुष्पधन सागर गुरुदेव की आरती। चलिए बोलिए आचार्य भगवान पुष्पधन सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर पुलक सागर जी महाराज की। बोलिए आचार्य भगवान प्रणाम सागर जी महाराज की जय। जय पुष्प दंत ऋषिराज, पुष्प दंत गुरुराज, आज थकी आरती उतारो। पुष्प दंत गुरुराज, आज थकी आरती उतारो। ए पुष्प दंत महाराज, आज थकी आरती उतारो। ओ पुष्प दंत गुरुराज, आज थकी आरती उतारो। आज अपने स्थान पर घेरा बना ले भक्ति का, गरबा के साथ कर रहे हैं आप और हम आरती। हाँ गोल घेरा बना ले। अरे पुष्प दंत महाराज, आज थारी आरती उतारो। पुष्प दंत महाराज, आज थारी आरती उतारो। मीना जी हेमचंद जी महाराज, आज थारी आरती उतारो। पुष्प दंत ऋषिराज, आज थारी आरती उतारो। ला 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 ला। मां मथुरा के राज दुलारे, मां मथुरा के राज दुलारे, जन्मे हो जन्मे हो जन्मे हो गोंदिया ग्राम, आज थारी आरती उतारे। पुष्प दंत ऋषिराज, आज थारी आरती उतारो।
भाइयों, भगवान का जन्म हुआ है, कितने लोगों को खुशी है, महाराजा सुसेन से बोलेंगे बधाई हो। कितने लोग बधाई देना चाहते हैं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए और महाराजा सुसेन को सभी बधाई देंगे आज के दिन। और करेंगे क्या राम भाई, जब जन्म में तीर्थंकर तब सारी काशी में एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया। जब जन्म में तीर्थंकर तब सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया। और ये पार्श्वनाथ भगवान के अजी के हर्ष छाया, जब जन्म होती थंकल हो तब सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। एक मिनट भाइयों, आज महाराजा सुसेन की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ लल्ला हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है, जरा जरा बधाई दीजिए महाराजा सुसेन को। इधर आइए महाराजा, सभी बोलिए बधाई हो, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए बधाई हो। और बधाई कैसे देंगे, इधर देखो महाराजा, सब लोग बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं क्या राम भाई, माता के लल्ला हो गया। महाराज अशुसेन और माँ वामा देवी बहुत प्रफुल्लित है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि उनके महलों में अरे माता के लल्ला हो गया, अरे माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, अरे महलों में लल्ला हो गया, जिन शरणम में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, जिन शरणम हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, अरे माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। और राम भाई, इस पंच कल्याणक की चेयरमैन शोभा ताई भी महाराज को बधाई दे रही है और कह रही है महाराज आपको लख लख बधाई हो, आज आपके यहाँ लल्ला हुआ है, पुत्र हुआ है, बधाई दे रही और कह रही है क्या, अरे माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, अरे माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, अरे महलों में लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, महलों में लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। और भाइयों, अरे काशी में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, काशी में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, और नगरी में बनी बधाई सारी जनता हर्षाई, नगरी में बनी बधाई सारी जनता हर्षाई। आज देख रहे हैं महाराज अश्वसेन के महलों में, हम देख रहे हैं सारा का सारा इंद्र परिवार आ गया है, हो नगरी में बनी बधाई नगरी सारी हर्षाई, नगरी में बनी बधाई जनता सारी हर्षाई। और ताई, सारा ठल्लम ठल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, सारा ठल्लम ठल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। और भाइयों, एक मिनट राम भाई, राम भाई एक मिनट, जानवी जी को भी मैं यहाँ मंच पर बुलाना चाहूंगा कि जानवी जी भी यहाँ मंच पर पधारे और इस जन्म उत्सव में बधाइयों के इस दौर में हम सब महाराजा को बधाई दे रहे हैं। काशी नगर में पूरे में बधाई है, दोनों हाथ जोड़िए, जुड़े हुए हाथ ऊपर उठाइए, उठाइए जुड़े हुए हाथ ऊपर, मीठी मीठी तालियां बजाएंगे और कहेंगे क्या, जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी तिहु लोक करे प्रणमामी, पग छम 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 घुंघरू बाजे रे, माता बामा तो बंद बंद मुस्कावे, माता बामा तो बंद बंद मुस्कावे, जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी, जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी, जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी तिहु लोक करे प्रणमामी, जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी तिहु लोक करे प्रणमामी, ओ पग छम 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 छम
महाराज नाभि राय महाराज अशुसेन का दरबार है और कह रहे हैं ओ पग छम 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 घुंघरू बाजे रे अशुसेन राजा तो मंद मंद मुस्कावे अशुसेन राजा तो मंद मंद मुस्कावे रे अरे नगरी में बजी बधाई सारी जन शरण हर जाई भाइयों हमारे बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। चलिए वाद्य यंत्र भी बंद चलिए चलिए महाराज जी हमारी ताई की इच्छा है कि एक उनका गीत है कि जोर मारो चाले हीरे मोती से नजर उतारिया ये उनकी इच्छा है कि इस गीत थोड़ी सी दो पंक्तियां चलिए बाकी लोग चले हाँ। बाकी का पैसा खत्म चलो रिचार्ज खत्म हो गया कल फिर करना रोज करेंगे रोज क्या दिक्कत आशीर्वाद में क्या कमी तुमको तो तीन तीन आचार्यों के आशीर्वाद ताई माँ खड़ी हुई है और महाराज अश्वसेन चलिए शंखनाद करो बहुत धन्यवाद आइए अब ताई कह रही है आचार गणाचार पुष्पदन सागर जी से गुरुदेव पुलक सागर जी महाराज से कि हीरे मोती पन्ना जो कुछ है मेरे पास सब आपके लिए नौछावर है हे गुरुदेव मेरा बस चले तो इस धरा का जितना भी सामान है सब उतार के रख दो और कह रही है ताई क्या अरे जोर मारो चाले ओ चाले जोर मारो चाले तो हीरा मोतिया सो नजर उतार लो जोर मारो चाले हीरा मोतिया सो नजर उतार लो जोर मारो चाले हीरा मोतिया सो नजर उतार लो जोर मारो चाले हीरा मोतिया सो नजर उतार लो ए जोर मारो चाले हीरा मोतिया सो नजर उतार लो हीरा मोतिया सो नजर उतार लो हीरा मोतिया सो नजर उतार लो जोर मारो चाले हीरा मोतिया सो नजर उतार लो जोर मारो चाले हीरा मोतिया सो नजर उतार लो हीरा मोतिया भी तुम पे वार दो हीरा मोतिया भी तुम पे वार दो जोर मारो चाले हीरा मोतिया सो नजर उतार लो जोर मारो चाले हीरा मोतिया सो नजर उतार लो बोलिए आचार्य भगवान पुष्पदन सागर जी महाराज की अरे पुलक सागर की ए पुलक सागर की वाणी रे पुलक सागर की वाणी रे भाई घणी ही प्यारी लागे पुलक सागर की वाणी रे भाई घणी ही प्यारी लागे अरे जन जन कल्याणी रे भाई घणी ही प्यारी लागे अरे जग जन कल्याणी रे भाई घणी ही प्यारी सुरेश जी कोठारी जी खड़े हो जाएंगे ज्यादा मीठी वाणी भी अच्छी नहीं होती है चलिए अब हमारे बीच हाँ 2 मिनट दूंगा बस
कल का चक्रवर्ती जो आरती करेगा, दो मिनट में फटाफट आइए भाइयों, कल के चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली प्राप्त करेगा? आरती करने का सौभाग्य, आरती करने का वह चक्रवर्ती बनकर गाजे बाजों के साथ, बैंड बाजों के साथ जिन शरणम तीर्थ क्षेत्र का आएगा और ये सौभाग्य प्राप्त करेगा। निश्चित मान के चलना, दो मिनट का समय है, इसलिए जिसे लगाना है जल्दी जल्दी अपने मन के भाव बनाएंगे। कल की आरती करने की बोली कहां से शुरू करूं? बोलिए, कहां से शुरू करूं इस बोली को? कल की आरती शुरू करने का सौभाग्य, बोलो राजू भाई, शुरू कहां से करूं? एक से बोलो, जल्दी बोलो, किसकी इच्छा है चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य, कल की आरती करने का सौभाग्य? कौन सौभाग्यशाली लेगा? कितना कितना, ऐसे क्या है, मालूम तो पड़े। बोलिए, कौन सौभाग्यशाली है कल चक्रवर्ती बनकर? 2,02,212 रुपया, 2,02,212 रुपया कल चक्रवर्ती बनकर इस पंडाल में भव्य आरती, प्रभु और गुरु की आरती करने का सौभाग्य। 2,02,212 रुपया, 2,02,212 रुपया, 1, 2, 2.5, 3.5 और कोई भाई? बस दो दिन और बचे हैं, मोक्ष कल्याणक में होना नहीं है, कल तप कल्याणक की और परसों ज्ञान कल्याणक की, फिर इसके बाद आरती नहीं होगी इस पंडाल में। अजित विनायक कहाँ है? अजित, अजित कहाँ है? आई नहीं। चलिए, 2,02,000 कितना बोल रहे हैं भैया? एक आदमी गैलरी में खड़े हो जाए, 2,51,551 रुपया, 2,51,000 बोलिए, 2,51,551 रुपया, हाँ जी, 2,51,551 रुपया, 1, 2, 3,03,313 रुपया, 3,03,313 रुपया, बोलिए 2,51,000 वाले भाई। देखो, मौका अविशार भाग्य बार बार नहीं आता, आज सौभाग्य मिला है। 2,03,313 रुपया, 1, 2, 2.5, 3.5, दो नंबर, रुके रुके, बोलिए करना है। देखो मौका है, सिर्फ दो ही दिन, ये समझो तुम्हारे भाग्य से ही ये काम हो रहा हो, कर दूं चार, 3,03,313 रुपया, 1, 2, 2.5, 3.5, 2,95,95,97,98,99 और ये बोली चली जाएगी फिर। निर्मल कोमल शीतल पुष्प दंत सागर के दरिया में पुलक गुरु, निर्मल कोमल शीतल पुष्प दंत सागर के दरिया में पुलक गुरु, सागर के दरिया है पुलक गुरु। 4,04,412 रुपया, 4,04,412 रुपया, 1, 2, 2.5, 3.5 पूछ लिए भैया तीन वालों से, अगर मन में भाव हो कि जिनेन्द्र प्रभु और गुरु की आरती करना है, 4,04,411 रुपया, 2 दिन होना है तब कल्याणक और ज्ञान कल्याणक। चलिए, 4,04,000, 3 लाख वालों से पूछ लो भैया, एक बार उनका मन हो, उनके भाव हो, उन्हें लग रहा हो ये परम सौभाग्य मुझे मिले, मैं चक्रवर्ती बनकर पूरा संघ उस जलूस में आता है, ये सौभाग्य आपको मिलेगा, हाँ जी, 5,05,513 रुपया, बोलिए 5,05,513 रुपया, 1, 2, 2.5, देख लो
एक बार और देख लो, देखो पूज्य गुरुदेव यहाँ मंच पर आसीन है। जल्दी जल्दी बस चलिए, 5,05,513 रुपया, 1, 2, 2.5, 3 और ये हो गई 3। ये सौभाग्य लिया है, सौभाग्य लिया। बताओ किसने? बता रहे हैं। प्रदीप जी, निशान जी, सुरेश जी, कोठारी परिवार ने यह सौभाग्य लिया है। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। और इस पंच कल्याणक में जिन्हें यज्ञ ने किसने लिए बोली भाई? सुरेश जी कोठारी। आओ ना ऊपर आओ, गुरुजी से आशीर्वाद लो। क्यों इधर आओ कोठारी जी, तुम कोषाध्यक्ष हो पंच कल्याणक के, सबसे पैसे मांगते रहते हो, देते भी रहते हैं। 1,00,000 रुपए तुमने क्यों बचा लिया फालतू में? बोलो भाई इनकी 5,00,000 करिए, 4,00,000 में कुछ। 5 तो हो गए। हो गए 5 भाई, फिर क्या दिक्कत, आशीर्वाद लो। क्या बात है, जोरदार करतल ध्वनि से सुरेश जी कोठारी, कांता जी कोठारी, प्रदीप कोठारी, निशांत कोठारी परिवार कल चक्रवर्ती बनकर जिनेंद्र भगवान की अर्चना करेंगे। और मेरे बहुत अच्छे भक्त हैं, आत्मीय भक्त हैं, कोई भी कार्य हो करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए, सुरेश जी कोठारी, कोषाध्यक्ष पंच कल्याणक महोत्सव समिति। चलिए अब देखिए, अब यहां पर भगवान का शुभ अभिषेक हुआ पांडुक शिला पर, अंतर मुहूर्त में अभिषेक हो जाता है, इतना समय नहीं लगता है। अंतर मुहूर्त में अभिषेक होके इंद्र भगवान को वापिस उनके माता पिता को सौंपता है और वहां आकर के आनंद नाम का नाटक करता है, तांडव नृत्य करता है। खुशी में भक्ति में आनंद नाटक जानते हो क्या होता है? आनंद नाटक यानी भगवान के 10 भाव के दृश्य दिखाता है। और सुमेरु पर्वत पर उन्होंने कैसे अभिषेक किया है, माता पिता तो देख नहीं पाते हैं, वह पूरा का पूरा दृश्य माता के आंगन में दिखाता है सौधर्म इंद्र कि हमने आपके पुत्र को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर इस तरह से अभिषेक किया था, ताकि ये ना समझो कि मेरा बच्चा चुरा के ले गए, नहीं, हम उसकी भक्ति करने के लिए ले गए थे। वह दृश्य वह दिखाता है माता के आंगन में। अब आनंद उत्सव और तांडव नृत्य सौधर्म इंद्र यहाँ पर करेंगे। और कभी वह नंदीश्वर द्वीप पहुँचता है नृत्य करते करते, कभी सुमेरु पर्वत पर पहुँच जाता है, कभी मानुषोत्तर पर्वत पर पहुँच जाता है, हजारों हजारों रूप बनाता है और अपने आनंद उत्सव नाटक से अपने माता पिता और जिन बालक का मनोहारी दृश्य यहाँ पर देखिए, आनंद उत्सव। उसके बाद पूरी सभा जिन शरणम मंदिर में चलेगी, वहां पर आज पूरा नृत्यगान महोत्सव भगवान का पालना वहां झुलाया जाएगा। चलिए आनंद नाटक के लिए एक मिनट, पहला पालना माता पिता झुकलाएंगे भगवान का, जिन बालक का, बस 2 मिनट आपको दे रहा हूं। प्रथम पालना झुलाने की बोली, कौन सौभाग्यशाली भगवान का पालना झुलाएगा? जो भगवान का पालना झुलाता है उसे भव भव में झूलने की जरूरत नहीं पड़ा करती है, ऐसा भगवान का पालना जिसकी गोद में सारा संसार झूलता है, उस तीर्थंकर को अपने हाथों से पालना झुलाने का सौभाग्य अर्जित करें। पहला पालना कौन झुलाएगा भाइयों? सौभाग्यशाली परिवार, सबसे पहला अधिकार तो भगवान के माता पिता का है, क्योंकि उनका पुत्र है, पहला पालना वो झुलाएंगे, लेकिन उसके बाद बोली वाला पालना झुलाएगा। ये पालन हारे का पालना है, अभी तक तो साधारण लोगों का पालना झुलाया, अब जो 3 लोग के नाथ है, पालन हारे है, उनका पालना झुलाने की बोली। कहां से शुरू करो?
बोलिए कौन सौभाग्यशाली है जो पालनहारे का पालना भगवान के माता पिता के बाद झुलाएंगे। आइए इसकी बोली शुरू कर रहा हूँ। कहाँ से शुरू करूँ, इतने सारे लोग बैठे हैं, निश्चित मान के चलना कोई भव्य प्राणी होगा जो पालनहारे का पालना झुलाएगा। आइए इसकी बोली शुरू कर रहा हूँ। कहाँ से शुरू करूँ, 1,01,111 रुपया, 1,01,111 रुपया पालनहारे का पालना। आज देखो माँ कितनी सुंदर लग रही है, और भाइयों पहला अधिकार तो उनका है लेकिन दूसरे नंबर पर पालना झुलाने का सौभाग्य। 1,01,000, 2,02,212 रुपया, 2,02,212 रुपया, 1, 2, हेलो हेलो हेलो, 2.5, 3.5, हेलो हेलो, और कोई महानुभाव जिसका मन हो कि पालनहारे का पालना झुलाना है, 2,02,212 रुपया, पहला पालना माता पिता और दूसरा बोली वाला, फिर उसके बाद क्रम अनुसार सौधर्मेंद्र, कुबेर, महायज्ञनायक, यज्ञनायक, ईशान, सनत, महेंद्र, ये क्रम चलेगा। 3,03,313 रुपया, 3,03,313 रुपया, 1, 2, यह पहली बार होगा हिंदुस्तान में, हर जगह पंच कल्याणक होता है तो पालना मंच पर झुलाया जाता है, ये पालना जो होगा मूल नायक भगवान के सामने झुलाया जाएगा। मूल नायक भी वहीं बैठे हैं कल्पतरु पार्श्वनाथ, और उनका प्रतिरूप विधि नायक भगवान भी यहां से अभी जाएंगे भगवान आकाश मार्ग से पालना झुलाने के लिए। माता पिता लेकर के चलेंगे उन्हें जिन शरणम तीर्थ तक, और वहां पालने में बिठाकर फिर वह उत्सव बड़े मंदिर के सामने होगा, वह मंदिर जिसे छोटी ताई ने सोने का बना करके जगत के सामने रखा है, आज उनके मंदिर में भगवान का पालना होगा। चल भाई, आइए भाइयों, 3,51,551 रुपया, 4,04,413 रुपया, 4,04,413 रुपया, 1, 2, 2.5, 3.5, देखो एक बार फिर सोच लो, इतना कर दूं, बोलो 4,51,551 रुपया, 5,05,513 रुपया, 5,05,513 रुपया, 1, 2, 2.5, 3.5। इस साइड सब जगह नजर दौड़ा, भैया पीछे कोई कार्यकर्ता भी पहुंच जाए, सुरेश जी, कोठारी जी, कोषाध्यक्ष जी, 5 आगे से है, पीछे से नहीं है, पीछे किसी का मन हो तो 6,06,613 रुपया, 6,06,613 रुपया, एक और, एक बार और डाल दो, कर देते हैं 7,07,700, 8,08,808 रुपया, 8,08,808 रुपया। देखो आज जिसको बढ़ाना है बढ़ा ले, ये मुझे मालूम है, ये बोली अब कहाँ जाना है, किसे सौभाग्य मिलना है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, 8,08,812 रुपया, 1, 2। बड़े पावन है जिन चरणा, बड़े पावन है जिन चरणा, माँ माँ यहाँ बैठी है, आज उसके लाल का पालना झुलाया जा रहा है, सज धज कर बैठी है माँ, और कैसे मंद मंद मुस्का रही है। ओ बड़े पावन के जिन चरणा, दुख हरण के मंगल करना, सर्वार्थ सिद्धि दे आए, सर्वार्थ सिद्धि दे आए, दर्शन करके सुख भरना भरना, बड़े पावन के जिन चरणा। बोलिए 8,08,812 रुपया, 1, 2, 2.5, 3.5। रुको आ गया, पालना की पालनहारे का पालना झुलाने का, 8,08,812 रुपया, 1, 2, 2.5, 3.5, और कोई भाई
और कोई सौभाग्यशाली बोलिए। हाँ जी, 8,08,812 रुपया, 1, 2, 2.5, 3.5 कर दूं। हाँ जी, बग्गी पर बैठकर जुलूस जाएगा बैंड बाजों के साथ जिन शरणम तीर्थ पर, वहां पर भगवान का पालना होगा। बोलिए, यहां से बग्गी में बैठकर जाएगा, बैंड बाजे उसके साथ होंगे, सारी समाज उसके साथ होगी, सब जय जयकार कर रहे होंगे। बोलिए, 8,08,812 रुपया, 1, 2, 2.5, 3.5 और ये कर दूं क्या? बोलिए बोलिए, कर दूं और ये अजित भाई साहब कर दूं 3 इधर से है, नीचे से बोलिए। हाँ, नीचे से ही है, और ऊपर किसी का मन हो तो अभी बता दो। चलिए चलिए, 1, 2, 2.5, 3 हो गई 3। यह सौभाग्य लिया है इस पंच कल्याण के चेयरमैन आदरणीय शोभा ताई जानवी जी, इनके लिए एक बार जोर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। कृपया आइए भाई, गुरु जी से आशीर्वाद लीजिए। छोटी माँ और जानवी आए और गुरुदेव से आशीर्वाद लें। पालना झुलाने का सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया है और यह सौभाग्य भव भव के पालनहार तारणहार का पालना आज अपने हाथों से झुलाने का सौभाग्य, स्वर्ण मंदिर में झुलाने का सौभाग्य उनको प्राप्त होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, हाँ, 1-2 मिनट गुरुदेव अपनी बात रखेंगे, उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। आप सुनना चाहेंगे? आप लोग सुनना चाहेंगे क्या? मेरा मन तो नहीं था लेकिन बन गया, इसलिए बना कि हमारी जिंदगी में परमात्मा महत्वपूर्ण है या पैसा महत्वपूर्ण है, इसलिए बना। मुझे एक घटना याद आ गई, इसी से संबंधित है। एक बहुत गरीब था, भिखारी था, जब उसकी आंख खुलती तो परमात्मा से कहता है, हे प्रभु, आज मेरे बच्चों के लिए सिर्फ 2 ही रोटी दिला देना, हम पति पत्नी भूखे रह जाएंगे। रोज प्रार्थना करता है, ठंडी का मौसम है, शीत का महीना है, भयंकर शीत लहर है, अचानक उसकी आंख खुलती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, सोचता है कि इतनी ठंडी, बुढ़ापा है मेरा, कहाँ जाऊंगा, कहीं इस ठंडी में मेरे प्राण निकल गए तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा प्रभु। अचानक उसकी निगाह सरोवर की तरफ जाती है, सरोवर को देखता है, सरोवर के बीच में एक बहुत सुंदर, अति सुंदर कमल का फूल खिला है। आज तक ऐसा फूल कभी नहीं खिला। वो चकित हो गया, आश्चर्य में डूब गया, ऐसा फूल
उसके मन में एक ख्याल होता है, मैं इस फूल को तोड़ लेता हूँ तो एक रुपए मुझे मिल जाएगा, तो आज मेरे परिवार में बच्चे मेरे भोजन कर सकेंगे। फूल के करीब जाता है, शीत की लहर में खड़ा होता है, कपता है, लेकिन अपने प्राणों की बाजी लगा करके हाथ आगे करके फूल को तोड़ लेता है। कपता हुआ बाहर आता है तो प्रार्थना करता है भगवान से, मुझे कि एक रुपए दिला देना आज, सिर्फ एक ही दे देना। वो बेचने के लिए निकलता है, नगर का सेठ वहां से गुजर रहा था, उसने देखा, अरे क्या लेके जा रहे हो, ऐसा फूल कहाँ से लिया तुमने? वो कपने लगा, कहीं मुझे चोर ना घोषित कर दें, कितने में देगा? उसके मन में था, एक रुपए मांगूंगा तो शायद ये मुझे डांट देगा, क्या करूं। मौन खड़ा हो गया, फूल को देखता है और अपने बच्चों के पेट को देखता है। इतने में वहां से मंत्री निकल रहा था, सम्राट का, उसने फूल को देखा तो सेठ से कहा, इतना सुंदर फूल कहाँ से आया? सेठ बोला कि मैं लेना चाह रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि एक रुपए दे के ले लूं। तो मंत्री कहता है कि मैं 100 रुपए दे दूंगा। उस गरीब से कहता है कि 100 रुपए, वो आश्चर्य में पड़ जाता है कि फूल एक है, साधारण है, सिर्फ चमक है, 100 रुपए। अगर मैं 100 रुपए ले लूंगा तो हो सकता है मुझे जेल में डाल दे, मुझे पिटवा दे, मेरे परिवार का क्या होगा। इतने में वहां से सम्राट का रथ निकलता है, सम्राट की दृष्टि पड़ जाती है, देखता है सम्राट वो कब जाता है। तो सम्राट कहता है कि ये फूल कहां से लाए, 10,000 दूंगा। वो फिर कपने लगता है, सम्राट से 10,000 लूंगा तो पता नहीं मेरी क्या दशा करेंगे, फूल तो साधारण सा है लेकिन सुंदर है। मौन हो जाता है। इतने में वो पूछता है सम्राट से कि सम्राट 10,000 रुपए दे के इस फूल का क्या करोगे आप? सम्राट कहते हैं कि आज महावीर का समोसरण आया है, मैं महावीर के चरणों में रखूंगा, अद्भुत फूल है, पहली बार जिंदगी में देखा है। उसने कहा महावीर का समोसरण कहाँ है? इसी दिशा में है। सोचता है 10,000 रुपए और महावीर, अरे भगवान के दर्शन कहीं होते नहीं, कभी मैंने महावीर को देखा नहीं, तो आज ये फूल मैं महावीर को चढ़ा दूं तो ज़्यादा अच्छा है, महावीर भी मिल जाएंगे और फूल भी मिल जाएगा। आप ख्याल कीजिए और एक बार सोचिए, कई जगह ऐसी बातें उत्पन्न हो जाती हैं, कहते हैं कि भगवान को फूल मत चढ़ाओ, पुष्पम निरपाम थी पीले चावल चढ़ा देते हैं, फूल नहीं चढ़ाते, कहते कि फूल में हिंसा है,
और यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि पुष्पम निरपामति स्वाहा, मुझे चढ़ाना चाहिए। सोचता है कि अगर एक फूल के चढ़ाने से महावीर मिलते हैं, इससे बड़ी दौलत जिंदगी की क्या हो सकती है। एक फूल में महावीर, और वो सीधा सम्राट से कहता है कि मैं महावीर के चरणों में जाऊंगा, या अगर इस फूल के माध्यम से परमात्मा मुझे मिलता है। और मैं तो आपसे कह रहा हूं, अगर एक फूल के चढ़ाने से पुण्य की वर्गणाएं मिलती हैं, आप सोचिए कि फूल का मूल्य कितना है, फूल की महिमा कितनी है। वो फूल जिसे मालाएं अपने सिर में लगा लेती हैं, नेहरू जी अपने सीने में लगा के रखते थे, और वो फूल परमात्मा के पास जा रहा है। कितना पुण्य है उसका, एक इंद्री कितना पुण्य है। और सम्राट कह रहा है कि मैं परमात्मा के चरणों में रख दूंगा, तो वो कहता है कि जब रखना ही तो मैं ना क्यों ना रख दूं, अरे फूल के स्थान पे मुझे परमात्मा मिल रहा है। और आप यहां जब बोली होती है, आप क्यों नहीं सोचते कि हम इतने बड़े मंदिर नहीं बना सके, हम ये काम नहीं कर सके, लेकिन एक बोली के साथ अगर मुझे यहाँ ईंट रखने का मौका मिलता है, इस मंदिर की सहयोग मिलता है, तो आज मेरा कितना पुण्य का उदय है। सोचिए, दिल में लाइए। हजारों लाखों का डाका पड़ जाता है, चला जाता है। मेरे एक बहुत अच्छे भक्त थे, करोड़पति से ऊपर थे, मेरे पास आए, बोले गुरुजी, मैंने क्या बात है, ऐसी ऐसी बात है, दान देने लगे। मैंने कहा अभी जरूरत नहीं है, बाद में देखूंगा। मैंने उनसे कहा कि सावधानी रखना, कभी कभी गलत या कभी कभी हमारा कर्म हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है। वो चले गए। उसके 3 दिन के बाद उनके घर पे छापा पड़ा, 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ पल भर में चले गए। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं चुपचाप रहा और मन में सोचता रहा, काश पैसे के पीछे प्यार न होता और परमात्मा के लिए अगर समर्पण होता तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। हो सकता है कि पैसा हमारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण हो, जीने के लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन जिंदगी को संभालने के लिए महत्वपूर्ण खाली परमात्मा होता है, पैसा नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा आप। तो आपके सामने रख रहा हूं महत्वपूर्ण चीजें, जरा फूल के बारे में सुन लीजिए आप। उस फूल ने तो अपना काम कर दिया। अब फूल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ज्यादा जाएं तो 5 प्रकार के भी होते हैं। एक मंदर फूल होता है, एक पारिजात का फूल होता है, एक संतानक फूल होता है, एक नमेरू का फूल होता है और एक सुंदर फूल होता है। ये 5 फूल हैं। ये 5 फूल भगवान के चरणों में चढ़ते हैं। इन फूलों का पूरा संबंध परमात्मा के साथ है और ये फूल बहुत कम दिखाई देते हैं।
जब फूलों की इतनी कीमत है और वहां पहुंच रहा है और एक फूल तोड़ने वाले को परमात्मा मिल रहा है, तो जो अपने जीवन में कमाए हुए अर्थ को वहां दे रहा है जहां परमात्मा का स्पर्श मेरे दिल में हो रहा है, सोचिए इसका चिंतन करना, मनन करना, और एक बार आप सोचना सर्दी के मौसम में वो महावीर के पास गया, बोला कि ये रुपया ये फूल महावीर के चरणों में रखूंगा, एक रुपये में, अगर इस एक फूल में मुझे महावीर मिलते हैं तो मुझे इस फूल के ना 10,000 चाहिए ना कुछ पैसा चाहिए, मुझे मेरा परमात्मा चाहिए। इतनी सोच अपनी जिंदगी के अंदर ला के रख लीजिए, परमात्मा से बड़ी जिंदगी में कोई चीज नहीं है जो तिजोरी में ला के रखा है। एक दिन मरण के बाद तुम्हारे ही परिवार के लोग उसे लकड़ी खरीदने में काम में लाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। हम तो चले जाएंगे लेकिन वही दौलत हमें जलाने के भी काम में आएगी और वो दान ही हमारे लिए परमात्मा से मिलाने के काम में आएगा बंधुओं। तो यहां जब चर्चा उठती है एक आवाज में कह दो ले जाइए मुझे कुछ नहीं। और एक बात कहता हूं आपसे, आप जब आप बोली लगाने के लिए खड़े होते हैं और आप जब वहां बोलते हैं सबके सामने 1,00,000 तो एक बोलता 1,50,000, मैं कहता हूं कोई 1,50,000 रुपए में बोली तोड़ रहा है तोड़ने दो, लेकिन तुम भी 1,00,000 रुपए उसके सामने रख दो, ये मैंने परमात्मा के लिए बोला है, परमात्मा का है। जिंदगी खुल जाएगी, पुण्य की वर्षा हो जाएगी और लोगों को आश्चर्य लगेगा कि वास्तव दान यह है कि मेरे मुंह से निकला है, अब मुझे अपने को बैकग्राउंड में नहीं जाना, ये परमात्मा का है, परमात्मा को दे देता हूं, इसलिए आज मैं भरी सभा में आया हूं। ओम जय जय जय, पाप का हो छय छय छय, ओम जय जय जय, पुण्य का उदय उदय उदय, ओम जय जय जय, कसाय का छय छय छय, ओम जय जय जय, पुण्य का उदय उदय उदय, ओम जय जय जय, मिथ्यात का छय छय छय, ओम जय जय जय, सम्यक्त का उदय उदय उदय, ओम जय जय जय, मोह का छय छय छय, ओम जय जय जय, मोक्ष का उदय उदय उदय, मोक्ष का उदय उदय उदय, मोक्ष का उदय उदय उदय। अभी गुरुदेव की अमृत वाणी से आपने सुना कि प्रेम चाहिए पैसा नहीं, परमात्मा चाहिए पदार्थ नहीं, मुक्ति चाहिए संसार नहीं, कल्याण चाहिए जगत का पसारा नहीं। यही दृश्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में चल रहे हैं। एक बात आपको बताता हूं कि जब साक्षात तीर्थंकर पारसनाथ ने दीक्षा ली थी उनके साथ 300 राजाओं ने दीक्षा ली थी, कितने राजाओं ने, लेकिन कल यहां जब दीक्षा होगी ना तो 1200 मुनि महाराज यहां पर दीक्षा लेंगे। पंडाल में पहली बार 1200 प्रतिमाएं यहां पर हैं, साक्षात जिनके साथ 300 ने ली थी और स्थापना जिनके साथ, कल 1200 मुनिराज इस पंडाल के अंदर दिखाई देंगे। अद्भुत दृश्य होगा भगवान के दीक्षा कल्याणक का। और हमारे संगस्त ब्रह्मचारी देवी लाली खड़े हो जाएं, ये अमरावती के निवासी हैं और
बहुत दिनों से लगे हुए हैं, दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना है। मैंने उनका देख लिया, स्वभाव मिलनसार सहज सरल हैं, और बहुत दिन से कि मुझे दीक्षा लेना है और आपसे ही लेना है। मैंने कहा नहीं, आपसे नहीं, मेरे बाप से लेना है। उनको बुलाया है ना मैंने वहाँ से, तो इनकी दीक्षा होगी कल। ये मुनि दीक्षा के पीछे पड़े हैं, लेकिन अभी गुरुदेव जो चाहेंगे वो होगा। तो कल 1200 दीक्षाओं में एक दीक्षा इस जिन शरणम की भी संपन्न होगी। कल दोपहर को दीक्षा के अद्भुत दृश्य होंगे, वैराग्य के दृश्य होंगे। ताली बजाकर इनके वैराग्य की अनुमोदना करें, इनकी साधना की अनुमोदना करें। जिस उम्र में लोग चल नहीं पाते हैं, उस उम्र में ये मोक्ष मार्ग पे चलने की बात कर रहे हैं। समस्त संसार देखकर विरक्ति के भाव जागृत हुए हैं। इनकी गोद भराई का कार्यक्रम कल सुबह ही करेंगे, है ना, और दोपहर को इनकी दीक्षा होगी, कैसे वैराग्य होता है। तो चेतन प्रतिमा और अचेतन प्रतिमाएं दोनों वैराग्य को धारण करेंगे। किस्मत है तुम्हारी कि तुम्हारे लिए गुरुदेव आए हैं, उनके बरद हस्त तुम्हारे शीश पर पड़ेंगे। मेरी दीक्षाएं भले कैसी भी हों, गुरुदेव की दीक्षा मालूम है कैसी है? हमारे जैसी है। समझ गए क्या? बैठ जाइए। तो ये होंगे, ये तो कल करेंगे। चलिए तांडव नृत्य सौधर्मेंद्र। एक सूचना आपको दे दो, कल गुरुदेव ने मूर्तियों के लिए बोला था 121,000 रुपए की राशि है, उसमें 8-10 मूर्तियां और रह गई हैं। किसी तीर्थ स्थान पर एक मूर्ति स्थापित करोगे, 6 गुना पुण्य का फल आपके घर अपने आप पहुंचता जाएगा। हमारे अजीत जी, विनायका जी यहाँ बैठे हैं, उनके पास अभी भी जो चाहे वो अपना नाम लिखा सकते हैं। अजीत जी के पास बस बंद करो, शटर गिराओ। आइए भाई, तांडव नृत्य के लिए सौधर्मेंद्र पधारें। चलिए भाई। माता के आंगन का दृश्य है, सौधर्मेंद्र भगवान के माता पिता के आंगन में आ रहे हैं। सौधर्म इंद्र और सची इंद्राणी के साथ सभी देवी देवताओं सुमेरु पर्वत के शिखर पर ईशान दिशा में अर्धचंद्र के समान आकार वाला शुद्ध स्फटिक मणि पंडरुक शिला पर तीर्थंकर बालक को रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान किया। वो पंडरुक शिला इतनी सुंदर और तेजस्वी थी मानो सफेद चंद्रमा की रोशनी ही बिखेर रही हो। वहां का मंडप इतना बड़ा होता है जिसमें तीनों लोग परस्पर बिना एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाए सुख से बैठ जाते हैं। जहां कल्प वृक्षों से उत्पन्न मालाएं लटकी हुई होती हैं। सौधर्म इंद्र, जिन बालक को प्रदक्षिणा पश्चात पांडुक शिला पर आए सिंहासन पर विराजमान करते हैं, जो कलश ध्वजा जारी ठोना दर्पण छत्र चामर एवं व्यंजन इन 8 मंगल द्रव्यों को धारण करती है, जन्माभिषेक देखने हेतु स्वर्ग से आए सभी देवताओं ने वो सिंहासन को चारों ओर से घेर लिया। तीर्थंकर बालक के अभिषेक के लिए बहुत लंबी कतार लगी। सभी देव उस जन्म कल्याणक में हिस्सा लेने और अपना पुण्यार्जन करने हेतु पर्वत पर पहुंचे। बालक के जन्म अभिषेक के पश्चात सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर जिन बालक को अपनी गोद में आरूढ़ करते हैं और शची इंद्राणी एवं समस्त इंद्र इंद्राणी के साथ पुनः वाराणसी नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। शची इंद्राणी तीर्थंकर पुत्र को वामा देवी की गोद में सौंप देती हैं और वामा देवी को मायावी निद्रा से जागृत करती हैं। लेकिन राजा अश्वसेन को अब भी उस सुखद समाचार का इंतजार था। सावधान, होशियार, काशी नरेश, महाराजा धीराज, अश्वसेन पधार रहे हैं। Thank you.
महाराज की जय हो, राजा अश्वसेन की जय हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, माता सकुशल है। तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है, हमारा जन्म सफल हो गया। मंत्री सैनिकों एवं नगरवासियों अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि हमें और हमारी बनारस नगरी को वामा देवी के गर्भ से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जो हमारे राज्य और जैन धर्म को आगे बढ़ाएगा। स्वयं तीर्थंकर को जन्म देने से बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। धन्य हो आप वामा देवी, धन्य हो। जय हो, जय हो, जय हो, आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो। हम अपनी प्रसन्नता सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं कि पूर्ण वाराणसी नगरी हमारे आंगन में पधारे और तीर्थंकर बालक का दर्शन लाभ ले। जय हो, जय हो, जय हो, आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो। राजा अश्वसेन की आज्ञा से सभी नगरजन, मंत्री, सेनापति, राजगुरु, सेवक राजमहल के आंगन में उपस्थित होते हैं। तभी सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी तथा समस्त इंद्रगण वामा देवी और तीर्थंकर बालक के साथ महाराजा अश्वसेन के आंगन में पधारते हैं। होशियार, सावधान, स्वर्गाधिपति देवराज सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी तथा काशी नरेश, महाराजाधिराज अश्वसेन और महारानी वामा देवी पधार रहे हैं।
हे जिनजननी जनक, आप तो महान एवं पुण्यवान हैं। आप सौभाग्य की परम कोटि को प्राप्त हुए हैं। जगत हितकारी हैं, विद्वान हैं, कल्याणकारी हैं, तीनों लोकों में अद्भुत हैं। इस प्रकार जिन प्रभु के माता पिता की स्तुति कर स्वधर्म इंद्र सुमेरु पर्वत पर हुए उनके पुत्र के जन्माभिषेक का वृतांत सुनाते हैं। अश्वसेन तथा वामा देवी सौधर्म इंद्र तथा सची इंद्राणी को देखकर अत्यंत प्रसन्न राजा अश्वसेन सौधर्म इंद्र सची इंद्राणी एवं समस्त देवगण को आसन ग्रहण करने के लिए कहते हैं। तभी अन्य देव जिन माता पिता की इस प्रकार प्रशंसा करते हैं। आप दोनों महापुण्यवान तथा धनभाग है जिसके यहाँ जगत गुरु पुत्र अवतरित हुए हैं। आप दोनों सौभाग्य की परम कोटि को प्राप्त हुए हैं। आप जगत हितकारी हैं, तीनों लोक में सबसे अग्रणी हैं, विद्वान हैं, कल्याण के भागी हैं, पूज्य हैं और तीनों लोक में अद्भुत हैं। आज यह घर हम लोगों के लिए जिन मंदिर के समान पूज्य हो गया है। धर्म से युक्त आप दोनों हैं, हम लोगों के लिए सेवनीय तथा पूजनीय हैं। इसे भाग्य समझूं या तीर्थंकर की महानता, जो हम जैसे साधारण पुरुषों को वे जगत पिता अपने माता पिता होने का दर्जा प्रदान करते हैं। समझ नहीं आता देवताओं कि फलों से वृक्षों की पहचान होती है। आज हम जैसे साधारण वृक्ष को तीर्थंकर रूपी फल ने असाधारण बना दिया। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र की आज्ञा से वाराणसी नगरी को भी स्वर्ग के समान सुशोभित करके जन्माभिषेक समान माहौल बनाया गया तथा वहां के नागरिकों के साथ जिन प्रभु का उसी हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाया जाता है। सौधर्म इंद्र की आज्ञा से वाराणसी नगरी में बड़े वैभव के साथ जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसी समय समस्त नागरिक रंग बिरंगी ध्वजाओं उसी समय समस्त नागरिक रंग बिरंगी ध्वजाओं नाना रचनाओं संयुक्त दिव्य तोरणों गीत तथा मंगल बाजे तथा गायन वादन नृत्य अन्य मंगलाचारों से उत्सव मनाया जाता है। राजा अश्वसेन जिन मंदिर में जिन प्रतिमाओं के महाभिषेक तथा पूजा आदि कर उत्सव मनाते हैं, राजा वस्त्र आभूषण दान आदि भी देते हैं। तभी ये सब देखकर सौधर्मेंद्र खुशी से अत्यंत उत्तेजित हो उठते हैं तथा सौधर्मेंद्र अपने तांडव नृत्य के द्वारा तीर्थंकर माता पिता को भगवान के पूर्व के नौ भवों और सुमेरु पर्वत के जन्माभिषेक के वृतांत को व्यक्त करने के लिए आनंद नाटक का रंगभूमि पर प्रदर्शन करते हैं। जन्म का ये दिव्य पर्व है, दिव्य पर्व है, दिव्य पर्व है।
भक्ति ज्योत नेत्रों में जल रही, मुखारविंद शोभा निखर रही। स्वधर्म इंद्र दिव्य रूप धर रहे, देव सारे नित्य गान कर रहे। सुमेरु के शिखर पे उत्सव का हर्ष है, पार्श्वनाथ जन्म का ये दिव्य पर्व है। लहर है आ रही, ये सृष्टि सारे मुक्ति गीत गा रही। हो तीनों लोक कष्ट से उबर रहे, है देव सारे पुष्प वृष्टि कर रहे। मोक्ष से भी पावन प्रभु का स्पर्श है, पार्श्वनाथ जन्म का ये दिव्य पर्व है। देखिए अभी पूरा संघ यहाँ से जाएगा, हमारी भी अपनी मर्यादाएं होती हैं और कोई भी हमारे पीछे नहीं आएगा। सब बालक जिनको लेकर राजमहल बनारस नगरी में पहुंचेंगे पालना चुड़ाने के लिए। कोई जाएगा नहीं, अभी यहाँ कार्यक्रम चलेगा। पूज्य आचार संघ की अपनी मर्यादा है, अभी यहाँ से जिनेंद्र भगवान पालना झूलने के लिए जिन शरणम तीर्थ के मुख्य मंदिर में जहाँ पालने की व्यवस्था है, अभी यहाँ महाराजा धीराज अश्वसेन के दरबार में जिसका प्रमोद उत्सव हो रहा है, भक्तों के सर पे है। हाँ, जो सदैव भक्तों के हैं सा, वो हैं पार्श्वजिन, वो हैं तीर्थंकर पार्श्वनाथ।
कल्याणक में तीर्थंकर की कहानी है। इंद्र आसन भूमि कंपित कर रहे ये बयानी है। सूर्य सा तेज उसमें दिखेगा, तीर्थंकर में नाम लिखेगा। धर्म सागर भी उससे बहेगा, पूजा की है वो तरंग। पार्श्वनाथ का जन्म लाई उमंग, ओ पार्श्वनाथ का जन्म लाई उमंग। पार्श्वनाथ का जन्म लाई उमंग, ओ पार्श्वनाथ का जन्म लाई उमंग। भक्तों की आस्था है जैसे तीर्थ पे, जो आए उसकी चल पड़ी। चाहे कितनी भी शंकाएं हो, जितनी ही मन में आशाएं हो, सच्चे मन से जो आया यहाँ, खाली जाती ना फिर वो घड़ी। धर्म के रंग में तो हर कोई होली हुआ रे, पुण्य के प्यासे शरणम है कुमारे। हो सूर्य सा तेज उसमें दिखेगा, तीर्थंकर में नाम लिखेगा। धर्म सागर भी उससे बहेगा, ऊर्जा की है वो तरंग। पार्श्वनाथ का जन्म लाई उमंग, ओ पार्श्वनाथ का जन्म लाई। पार्श्वनाथ का जन्म लाई उमंग, ओ पार्श्वनाथ का जन्म लाई उमंग। एक बार जोरदार तालियां हमला करके हमारे इन कलाकारों का उत्साह वर्धन करें। त्रिलोक पूज देवादिदेव पार्श्वनाथ के जन्मोत्सव की पावन मेला का सौधर्म इंद्र माता पिता को सुमेरु पर्वत पर सौधर्म इंद्र द्वारा तीर्थंकर बालक का रखा नाम बताते हैं। राजा अश्वसेन और माता वामा देवी इंद्र के इस आश्चर्यकारक रूप का साक्षात्कार कर अत्यंत प्रीति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सौधर्म इंद्र सभी देव कुमार और कुमारियों को तीर्थंकर बालक की सेवा के लिए नियुक्त करते हैं एवं तीर्थंकर की सेवा कर पुण्य लाभ अर्जित करने का मौका देते हैं। वह तीर्थंकर बालक पार्श्व के अंगूठे में विशेष अमृत छोड़कर जाते हैं, जिसको ग्रहण करने से वो क्रमशः बड़े होते जाते हैं। इस प्रकार सौ धर्मेंद्र व समस्त देव बहुत भारी पुण्यार्जन कर अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक पार्श्वनाथ के दर्शन करके अपने आनंद नाटक का प्रदर्शन कर पुण्य अर्जित किया, आप सभी भी तीर्थंकर बालक का पालना झुला के पुण्य अर्जित कर सकते हैं। पालना झुलाने के बाद जिन प्रभु के जन्मोत्सव की खुशी में डांडिया रास का आनंद उठाना ना भूलिएगा, इसीलिए कहीं जाइएगा मत। बोलो देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। आचार्य पुलक सागर जी महाराज की जय। एक बार सारे इंद्रगण आगे आ जाए, पूरा परकर आगे आ जाए, भगवान के माता पिता और सारे लोग एक बार आगे आ जाए। भाइयों, इंद्रों की सामूहिक भक्ति हम सब मिलकर करेंगे। आइए सारे इंद्र परकर देवराज इंद्र के साथ
एक मिनट की भक्ति करके फिर चले जाना। हाँ आइए राम भाई, सारा इंद्र परकर जिन्होंने भक्ति अभी तक नहीं की है वो सारे भक्ति करेंगे और आनंद के साथ इंद्र परकर के साथ कैसे आनंद मनाएंगे। अरे इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। अरे इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में वो देखो घिरे आई घिरे आई घिरे आई घिरे आई मेघों की काली घटा। बनारस नगरी में आए आए बनारस नगरी में। राम भाई सौ धर्मेंद्र, सौ धर्मेंद्र और सची इंद्राणी कहाँ है, और भगवान के माता पिता आज देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। धनपति कुबेर यज्ञ नायक महायज्ञ नायक ये सारे हर्ष बना रहे हैं। दर्शकों अभी आप देख रहे थे जन शरणम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की श्रृंखला में जन्म कल्याणक का विशेष प्रसारण। परम पूज्य गणाचार्य श्री सवाठ पुष्प दंत सागर जी महाराज सत्संग एवं भारत गौरव परम पूज्य आचार्य श्री सवाठ पुलक सागर जी गुरुदेव सत्संग के पावन सानिध्य और भक्तामर वाले बाबा परम पूज्य आचार्य श्री सवाठ डॉक्टर प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन निर्देशन में महाराष्ट्र के जिला पालघर की पुण्य धरा तलासरी स्थित श्री दिगंबर जैन जिन शरणम तीर्थ धाम में चल रहे इस महानुष्ठान में श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव के साथ मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही, अभी समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल पुनः होगी आपसे भेंट इस महोत्सव के अगले दिन के विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए चिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक एवं पुण्यार्जक थे जिन शरणम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं पुलक मंच परिवार। निवेदक श्री दिगंबर जैन जिन शरणम तीर्थ धाम ट्रस्ट रजिस्टर।